हाय गाइज, यहाँ पर मैं एक बर्न पेशेंट के वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको। तो इस बर्न पेशेंट को इलेक्ट्रिक बर्न हुआ था। इलेक्ट्रिक बर्न मतलब हाई वोल्टेज करंट से बर्न हुआ था। अभी इलेक्ट्रिक बर्न की जो स्पेशल बात होती है, या कह लो कि उसका फीचर ये होता है कि वहाँ पे मल्टीपल एरिया में बर्न होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो पेशेंट को पहले वाली क्लिप में पाँव में बर्न था, यहाँ पे उसी पेशेंट को हाथ में भी बर्न है, फिर अभी आपको दिखाऊंगा बैक एरिया में भी बर्न है, उसको सर में भी बर्न है। तो बर्न पेशेंट में उसने सबसे ये जो हाथ दिख रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को छुआ था। तो करंट यहाँ से एंटर करता है बट मल्टीपल जगह से वो एग्जिट करता है। जैसे कि इसके बैक से भी एंटर करा तो बैक वाला पोर्शन चल गया है, सर के वाला पोर्शन भी चल गया है, फिर फेस पूरा नॉर्मल है, चेस्ट नॉर्मल है, लेकिन पाँव में भी बर्न हो गया है। अभी ये बैक वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर पूरा ब्लैक स्किन था, वो ब्लैक स्किन मैंने निकाल दिया है। वो निकालना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो ब्लैक स्किन नहीं निकालेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन करेगा। और नीचे आपको हेल्दी मसल दिखाई पड़ रही है। ये पाँव वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये ब्लैक स्किन निकालने से पहले वाला है। तो स्किन जो है ये पूरी ब्लैक हो गई है, पीली और ब्लैक। नॉर्मल स्किन दिख रहा है कैसे आपको, बट ये डेड स्किन, डेड स्किन जहाँ पर भी आपको उसको निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो वो इन्फेक्शन करेगी। यही कारण होता है बर्न पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन का। हाथ में भी देखो आप, ये इसका दिखाया था मैंने आपको, इसको फेसियोटॉमी करा था मैंने। फेसियोटॉमी करने के बाद हाथ का मूवमेंट आ गया है, तो हाथ की स्वेलिंग भी काफ़ी कम हो गया। पुराने वीडियोस देखो, आपको यूट्यूब पे भी डाला था मैंने इसका फेसियोटॉमी करने वाला वीडियो, प्लास्टर एंड ब्लॉक। अभी इसमें ये देखो, फिंगर्स जो दिख रही है वो ब्लैक दिख रही है। तो ब्लैक जो उनका वो दूसरा वाला मतलब एक पाल्मर स्पेक ब्लैक है, तो वो फिंगर कितना सेव होता है वो तो धीरे धीरे टाइम साथ ही पता पड़ेगा। ये सर का बर्न है, यहाँ पे जो बर्न पोर्शन है एकदम जिसको बोलते हैं टाइट टफ बर्न टिश्यू बन गया, इसका भी ड्रेड करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बर्न पेशेंट में यही होता है कि आपको जितना भी डेड स्किन उसको निकालना है और वहाँ पर ड्रेसिंग कर देना है और ड्रेसिंग कंटिन्यू करना है। अभी ना इन पेशेंट के अंदर अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो सबसे पहला तो ये है कि डेड टिश्यू को निकालो, उस जगह पे ड्रेसिंग करो और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे दो। बेसिक एंटीबायोटिक्स या तो कल्चर सेंसिटिविटी के को करवा के देख लो, या फिर जो होता है एंटीबायोटिक जो कि आपके ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव और एनएरोबिक बैक्टीरिया को कवर करता है, वो वाली एंटीबायोटिक देना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और मल्टीपल एंटीबायोटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट की डाइट। डाइट ना पेशेंट की आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, उसको पहले दिन से ही बोलना है खाने के लिए। अगर पेशेंट मुँह से ले सकता है तो उसको बोलो जो भी खाना है वो लो। पर्टिकुलर क्या ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स ज़्यादा लेना है, खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, वो उनमें विटामिन सी होता है। अब पेशेंट क्या होता है कि उनको आप बोलते हो ये सब खाओ, जो माने वो खाओ, लेकिन पेशेंट आप उनको बोलते हो फ्रूट्स खाओ ये खाओ, उनका मन ही नहीं होता। उनका मन क्या होता है, उनका मन है समोसा खाने का, उनको समोसा भी दो क्योंकि समोसा से भी कैलरीज मिलेगी। कैलरी क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। कैलरी इसलिए चाहिए कि ये जो कैलरीज होती है, वन मिनट, कैलरीज क्यों चाहिए, क्योंकि जो अब यहाँ पे नई स्किन आएगी, जख्म भरेगा, इसके लिए बहुत हाई एनर्जी लगती है। जब आप जिम करते हैं तो जिम करने के बाद कैसे आप ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा कैलोरीज वाला डाइट लेते हैं, राइट, ताकि मसल्स बिल्डिंग हो। ऐसे पेशेंट के भी न्यू स्किन बनेगी, न्यू जो डेड टिश्यू है वो डेड टिश्यू निकलने के बाद में न्यू टिश्यू बनेगा, उसके लिए हाई कैलोरीज हाई प्रोटीन चाहिए। डाइट में क्या रेस्ट्रिक्शन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको तेल तला भुना घी का सब देना है। बर्न सेंटर में तो पेशेंट को सब देते हैं, जैसे कि मूंगफली देते हैं, गुड़ देते हैं, अगर पेशेंट अंडा खाते तो अंडा देते हैं, अगर अंडा नहीं खाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पनीर ज़्यादा खाओ, पनीर में वे प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, साथ में प्रोटीन पाउडर अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो लिख दो आप उसको, मल्टी विटामिन्स दे दो आप उसको। तो डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब हाथ का मूवमेंट करना, जो ऐसा जल गया उसका मूवमेंट करना। मूवमेंट कैसे होगा, जिसको बैक वाला पोर्शन जल गया है तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि जाओ बेड से उठो, घूमो, चक्कर लगाओ, उससे क्या होगा, पेशेंट की बॉडी का मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने से उस टिश्यू के अंदर स्टिफनेस या टाइटनेस नहीं आएगी। तो मूवमेंट बोलना भी बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँव में बर्न है, पेशेंट को बोलो अगर चल सकता है तो मल्टीपल टाइम्स चक्कर लगाए, चले, बैठे बैठे पाँव का मूवमेंट करे, एकदम आराम नहीं करना है। जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे पेशेंट को बेटर फील भी होगा। और मूवमेंट करने से क्या होता है, जब मसल्स मूव करती है तो उनके अंदर जो टिश्यू फ्लूइड कलेक्टेड होता है, जो खराब टिश्यू फ्लूइड होता है, वो बाहर आ जाता है और वो गॉज पीस या पट्टी के अंदर इकट्ठा होकर हो जाता है। तो वो इम्प्रूव करता है, वो टिश्यू परफ्यूजन इम्प्रूव करता है, वो इन्फेक्शन को प्रमोट करता है। और बर्न केयर कब तक चलती है, तो भाई ये तो कोई डिसाइड मतलब ऐसे एक सेट मार्क नहीं है, 15 दिन 20 दिन, एक महीना डेढ़ महीना भी चल जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ें बर्न पेशेंट के अंदर आपको करनी होती है। ये बर्न पेशेंट का ट्रीटमेंट अभी कर रहा हूँ मैंने, इसके ऊपर एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, वो आप फेसियोटॉमी के ऊपर, तो वो तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए था, वो आप देख सकते हैं। सो ये एक बर्न पेशेंट की केयर का वीडियो है। थैंक्स।